अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उर्दू हैंड राइटिंग सेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है। अभी तक हमने दो लेसन कंप्लीट कर ली हैं। फर्स्ट लेसन में हरूफ तहजीज हमने लिखे थे, उसमें शेप देखी थी उसकी क्या होती है, और लेसन नंबर टू में हमने अलिफ के साथ हरूफ तहजी कनेक्ट करके देखा था कैसे इसकी शेप ड्रॉ होगी। अब लेसन नंबर थ्री में बे की टर्न है। अब बे के साथ हम दूसरे हरूफ तहजी को कनेक्ट करेंगे और किस तरह की शेप बनती है वो सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बे की शेप आप लोगों को मैंने बताई है, इस तरह होती है, ठीक है। बीच वाली दो लाइंस जो है उसमें आपने बे को ड्रॉ करना है। अब इसके स्टार्ट में हरूफ तहजी कैसे कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले बे को बे के साथ कनेक्ट करते हैं, छोटी सी बे की शेप जैसे हमने अलिफ के साथ देखी थी, और फिर बे की शेप आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह पे को जब कनेक्ट करना है, पे की शेप इसके साथ बे, ते की शेप और बे, ते और बे, इसके बाद अब देखते हैं सी। जीम के साथ शेप देखते हैं क्या बनेगी। हे, हे की शॉर्ट फॉर्म बना के इसके साथ आप बे को कनेक्ट कर दें। हे के लिए भी यही शेप, जीम के लिए भी यही शेप, खे के लिए भी यही शेप, ठीक है। इसी तरह अब सीन के लिए देखते हैं। सीन के आपने स्टार्टिंग शॉर्ट शेप बनानी है और बे के साथ कनेक्ट कर देना। सिमिलरली शीन की शेप और बे के साथ कनेक्ट कर देना। अब स्वाद, स्वाद की शेप बे के साथ कनेक्ट कर देना। स्वाद, अब आइन, आइन की शॉर्ट शेप बनाई, उसके साथ बे कनेक्ट कर देना। वाइन, तो आइन की शॉर्ट शेप बे कनेक्ट कर दे। जाइन की, अब फे की शॉर्ट शेप बनाई और बे को कनेक्ट कर दे। इसी तरह काफ की, गाफ, पहले काफ की देखते हैं। काफ की शॉर्ट शेप इस तरह होती है, इसके साथ बे को कनेक्ट कर दिया। अब गाफ की शेप, लाम की भी शॉर्ट शेप काफ काफ की तरह, और बे कनेक्ट कर दी। ये याद रखें, इसको बे से थोड़ा सा ऊंचा रखें, जो भी हम इसके बे के साथ हरूफ तहजी कनेक्ट करेंगे उसको थोड़ा सा ऊंचा रखना आपने। मीम, मीम की शॉर्ट शेप बे, नून बे, अब अगर हे को कनेक्ट करना हो और दोनों वाली हे को उसकी शेप ड्रॉ करके इसको बे के साथ कनेक्ट कर दिया। इसी तरह आप डिफरेंट वर्ड बनाएं, अगर काफी ते,
ठीक है, इस तरह अब हमने ये बे के साथ प्रैक्टिस किया। आप लोगों का होमवर्क है, आपने पे ते टे से इन सब के साथ जो है आपने ये सारे स्टार्टिंग अल्फाबेट कनेक्ट करने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वीडियो में हम लेसन नंबर 4 अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने घर में जो बच्चे हैं उनको उर्दू हैंड राइटिंग ज़रूर सिखाएं, ताकि हैंड राइटिंग उनके नेक्स्ट स्टडी में काम आए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।